नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर हो और आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो तो मोबाइल बैंकिंग में आप बेनिफिशियरी कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम चला जाते हैं अपना मोबाइल में। हम अपना मोबाइल में चला जाएंगे और मोबाइल में चला जाके जो सेंट्रल बैंक का मोबाइल ऐप है उसे ओपन कर लेंगे। उसे ओपन करने के बाद दोस्तों ऐसे फेस नज़र आएगा आपको और यहाँ पे आपको करना है लॉगिन में क्लिक और अपना जो आईडी पासवर्ड है उसे डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। हम अब अपना सेंट्रल बैंक का अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ और इसके बाद हमें दोस्तों क्या करना है, बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए पहले ट्रांसफ़र पेज में जाना पड़ेगा, इसलिए ट्रांसफ़र जो लिखा हुआ है ऑप्शन उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इस पर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, माय अकाउंट्स, अदर एसबीआई अकाउंट, अदर बैंक अकाउंट। अगर आपका बेनिफिशियरी ऑलरेडी ऐड है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप पैसा ट्रांसफ़र करने जा सकते हैं, लेकिन आपका अभी फ़िलहाल बेनिफिशियरी ऐड करना है इसलिए मैनेज बेनिफिशियरी में चला जाइए। मैनेज बेनिफिशियरी में चला जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा माय अकाउंट। ऑलरेडी आपका जैसे डिपॉजिट अकाउंट या पीपीएफ अकाउंट, ऐसे अगर कुछ अकाउंट सेंट्रल बैंक में खुला हुआ है तो उसके लिए ये है अदर सीबीआई अकाउंट। अगर आपका अन्य सीबीआई अकाउंट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है उसे ऐड करना है तो दूसरा नंबर, तीसरा अदर बैंक अकाउंट जैसे NEFT IMPS करने के लिए, जैसे SBI का हो गया, ICICI बैंक का हो गया, ये सब बैंक के लिए आप इस ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। अगर IMPS करना है, जैसे आप तुरंत पैसा भेजना चाहते हो उसमें अगर ऐड करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हैं। और RTGS जो है वो थोड़ा सा 2-1 घंटा टाइम ले लेते हैं। चलिए हम NEFT में ही करना है इसलिए उसी में ऐड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे NEFT में अदर बैंक अकाउंट्स NEFT में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक मैसेज शो कर रखा है कि नो बेनिफिशियरी एडेड, मैं अब तक कोई बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया हूँ इसलिए ओके कर दूंगा। फिर यहाँ पे जो नया बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए दोस्तों क्रिएट में क्लिक करना पड़ेगा। हम कर देते हैं क्रिएट में क्लिक और इसमें आपका जो पहले रो में जो है अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर दोबारा वही अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा, फिर उसका IFSC कोड लिखना पड़ेगा, बेनिफिशियरी सिलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे करता हूँ, हम जल्दी जल्दी इसको फॉर्म को भर लेते हैं। अभी इसमें एक चीज़ देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने पहले अकाउंट नंबर डाल दिया, एंटर अकाउंट नंबर और ये एंटर दोनों में सेम अकाउंट नंबर डाल दिया, फिर IFSC कोड लिख दिया और यहाँ से आपका अकाउंट का करंट सेविंग सिलेक्ट कर लीजिए, मेरा सेविंग अकाउंट है। फिर इसे जो वेरीफाई IFSC डिटेल्स इसको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी देखिए ICICI बैंक लिमिटेड मंगल रेशम ये हो गया है, आपका वेरीफाई हो गया और जो IFSC कोड है। इसके बाद आपको एंटर बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी निक नेम, बेनिफिशियरी लिमिट, ये सब आप भरना पड़ेगा, बेनिफिशियरी का एड्रेस भी भरना पड़ेगा। मैं इसे फॉर्म को भर लेता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए दोस्तों, हम इसमें ये फॉर्म भर लिया हो, अब बेनिफिशियरी का जो नाम है वो भर लिया हो, फिर इसका एक निक नेम देना है, आप उसे भी दे लीजिए। फिर इसके बाद आपको इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी लिमिट कितना रुपये तक आप लिमिट रखना चाहते हो, और फिर इसे एड्रेस लिख दीजिए और पिन नंबर वगैरह डाल दीजिए और बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और आपका जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद जो ये ग्रीन कलर का एक डब्बा सा है उसके ऊपर टच कर दीजिए। अब देखिए बेनिफिशियरी हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, बेनिफिशियरी विल बी एक्टिव आफ्टर 4 आवर्स। दोस्तों अभी यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है लेकिन ये एक्टिवेट होगा 4 घंटे के बाद, आप इसे यहाँ पे इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैं बताने जा रहा था आपको समझ में आए होंगे और वीडियो को अच्छा लगा होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।